हिंदुस्तान हमेशा अपनी एक पहचान बना के रखा हुआ है, वो है गंगा जमुनी तहजीब की। पूरी दुनिया में हमारी गंगा जमुनी तहजीब अनेकता में एकता मशहूर है। आज मैं एक ऐसी सरजमीन पर आपको लिए चलता हूँ जिसको कहते हैं कलियर शरीफ। यहाँ सरजमीन पे आने का मकसद ये है कि बहुत साल पहले एक संगठन शुरू किया गया था, उसका नाम था मुस्लिम राष्ट्र मंच। उसी को आगे बढ़ाया है सूफी संत मदन के नाम से, और ये शुरुआत की है कल्लू अंसारी साहब। आपकी मुलाकात कराते हैं और इस संगठन के बारे में और जानते हैं कि ये संगठन आप लोगों के लिए क्या कर रहा है और देश की एकता के लिए क्या काम कर रहा है। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं कल्लू अंसारी साहब से। शुक्रिया। मेरा संगठन 4 जुलाई 2021, तो तब से मैं अपने संगठन को लेकर के जो हमारे अंदर जो परेशानियां जो सबसे बड़ी कि हम लोग जो फिरकों में बटे हुए हैं, वही हमारे पिछड़ेपन का कारण है, वही हमारी बर्बादी का कारण। आज हम इतने अपने आप को परेशान महसूस करते हैं कि जिस अल्लाह ने एक कुरान, एक नबी और एक इमाम हमको दिया, नबी ने हमारे नबी ने हजारों कबीले ख़त्म करके एक इस्लाम बना करके हमारे सुपुर्द कर दिया, लेकिन हमने क्या काम किया? हमने वही काम किया जो नबी ने कबीले ख़त्म किए, हमने वो अपने अपने कबीले बना दिए। अंसारी कबीला, उस्मानी कबीला, अरबी का कबीला, और कबीले तो कबीले छोड़ो, हमने अपने फ़िरके भी अलग अलग कर लिए। देवबंदी है, जहरी अदीस है, जो नफरानी है, जो बरेली है, ये सब हमारी परेशानी का सिलसिला शुरू हमने अपने आप खुद किया, कोई दूसरा नहीं है। अगर किसी को मैंने से लगा दें और तो और हम इतने गिर गए कि हमने जहाँ जिस घर के अंदर, जिस मस्जिद के अंदर अल्लाह का नाम लिया जाता है, वहाँ भी हम लोगों ने लिख दिया, बोर्ड पर लिख दिया कि ये देवबंदियों की मस्जिद है, ये बरेलियों की मस्जिद है। और तो और बड़ा तकफिल रोता है कि हमारे अपने कब्रस्तान भी अपनी अपनी जातियों के नाम से बाँटी गई, बाँटी बाँटी। कितने हमारी कितनी अकलबंदी है, दुनिया के सबसे खूबसूरत धर्म और मजहब होने के बावजूद, एक खुदा, एक नबी, एक कुरान होने के बावजूद, आज हम हजारों जगह पर फिरका जो है वो अच्छी बात है, अच्छी बात है, इसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्र दुनिया में सबसे खूबसूरत अगर कोई मुल्क है तो मेरा हिंदुस्तान, क्योंकि ये कहावत है सारे जहाँ से अच्छा पाकिस्तान हमारा कोई नहीं कहता, सारे जहाँ से अच्छा चीन, अमेरिका, बर्मा, अरब कोई नहीं कहता, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ज़माना कहता है। इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे बढ़िया और सबसे शांति का पैगाम देने वाला, एकता का पैगाम देने वाला और सूफी संत मदन मुस्लिम राष्ट्र मंच जो गंगा जमुनी हमारी तहजीब है, उस तहजीब को आगे बढ़ाने वाला हमारा देश है, जो हम इसके मूल निवासी हैं। हम कहीं बाहर से नहीं आए, इस देश के मूल निवासी हैं, किसी की बजाय नहीं है जो हमको यहाँ से निकाल। कल्लू अंसारी जी पहले मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में थे, और उसके बाद जब उनका देखा, कल्लू अंसारी साहब का काम देखा कि बड़ा ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं, तो एक और संस्था बना दी गई, सूफी संत मलंग संगठन, और कल्लू अंसारी साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बनाया गया। तो बड़ा खुश नसीबी है, और हम सब मिलकर के, और ये संगठन ये चाहता है कि हम भारत देश में हमारे एकता रहे, हम सब प्यार मोहब्बत से रहें और हम सब देशभक्त रहें। और जहाँ कलियर शरीफ में यहाँ पर मुझे लेटर दिया जा रहा है, और हमारे कल्लू अंसारी साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो पूरा भारत देश देख रहे हैं और वो सबको एकता एक मिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब हम प्यार मोहब्बत से रहें, जिस तरह से हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, सभी जाति धर्म के लोग, हम सब यहाँ प्यार मोहब्बत से रहते हैं और एकता के साथ रहते हैं। और जो कुछ ऐसे लोग जो ये चाहते हैं कि देश में दंगा रहे, प्यार मोहब्बत से हम ना रहें, लड़ाई झगड़े होते रहें, और ख़ास तौर से हिंदू मुस्लिम को जो तरजीह दी जा रही है लड़ाई दंगों में आकर के, और हमारे कल्लू अंसारी जी उस पर बड़ा शानदार काम कर रहे हैं, और हमारा संगठन जो है सूफी संतों का संगठन यही काम कर रहा है कि हम सब प्यार मोहब्बत से रहें। अंजुम अंसारी जी जो हैं हमारे
महिला मोर्चे की वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूरे भारत देश में वो जो हमारी महिलाएं बहनें हमारी उनको वो देख रही हैं कि उनकी क्या समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं हमारी बहनों की, कि उन समस्याओं को वो दूर कर सकें और उनको जागरूक करें, क्योंकि इसमें बहनों का भी बहुत बड़ा रोल होता है और एकता के लिए कि किस तरह हम एक से रहें, प्यार मोहब्बत से रहें। जो लोग, कुछ चंद लोग जो गलत हैं वो हिंदू मुस्लिम को बात करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी बहनों को समझाने का काम कर रहे हैं और किस तरह से हमारी बहनों का विकास हो, किस तरह से वो अगर उनकी कोई समस्या है उनको लेकर भी वो अंजुम अंसारी जो हैं बड़ा अच्छा वो काम कर रही हैं और काफ़ी उन्होंने काम किया भी है। मैं सूफी संत मलंग मुस्लिम राष्ट्र मंच में अपने हस्बैंड कल्लू अंसारी जी, जो कि राष्ट्रीय संयोजक के रूप में काम कर रहे हैं, मैं उन्हीं के साथ लगी हुई हूँ। समस्या क्या है? समस्या तो महिलाओं की बहुत होती हैं, जैसे घरों में उनको परेशान करा जाता है, शौहर शराब पीकर, कोई कहता है मेरा शौहर मुझे मार रहा है और मैं पुलिस थाने जाती हूँ, मेरी सुनवाई नहीं होती। कोई कहता है कि हम कारोबार को लेकर बहुत परेशान हैं, और परेशानी महिलाओं की बहुत होती है। तो उन सब की परेशानियों को सुनकर उनका फिर हल निकाला जाता है, उनको ले करके उनको समझाया जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप चलो जुड़ो साथ में। संगठित समाज जब होता है तो समाज को, राष्ट्र को बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो हम उन महिलाओं से कहते हैं कि पहले तो आप एक काम करो, पहले तो आप संगठित होना सीखो, आप एक हो जाओ। एक हो जाओगी, अगर आप घर में एक हो तो आप बाहर वाले से भी लड़ सकती हो, और जब आप घर में ही एक नहीं हो तो आप बाहर वाले तो आपके घर के अंदर घुस के आपको बाहर निकाल ही देंगे। तो सबसे पहले तो है आप पहले एक तो हो जाओ, और एक होकर जिस दिन आप खुद एक हो गए तो उस दिन आपको समाज तो क्या, सभी लोग आपको अपनाएंगे। तो पहला यही है कि मेरा इन लोगों से निवेदन है कि आप सब महिलाएं तो क्या, सभी लोग पहले एक हो जाओ। एक होने में बहुत बड़ी ताकत है, और संगठन ही इसीलिए होता है कि सबको संगठित करके चलें, और जब सब संगठित होकर चलेंगे, एक राह में चलेंगे, तो इंशाल्लाह ताला हमें सभी को कामयाबी जरूर मिलेगी। हमारा मुल्क सूफी संतों का मुल्क, जिसमें गंगा जमुना सरस्वती बहती है, हमें उस प्यार की जरूरत है। हमारे मुल्क के शहनशाह हजरत मौलाना अलाउद्दीन साबिर कबीर हैं, जो हिंदू वाली ख्वाजा कहीं हमारे एक ही कबीर है, और मैं हिंदुस्तान के आवाम से अपील करता हूँ कि अपने मुल्क के लिए हिंदू मंदिर जाएं, अपने मुल्क के लिए दुआएं करें, मुसलमान मस्जिद जाएं, अपने मुल्क के लिए दुआएं करें, क्रिश्चियन गिरजाघर जाएं, अपने मुल्क के लिए दुआएं करें, पंजाबी सिख गुरुद्वारे जाएं, अपने मुल्क के लिए दुआ करें, क्योंकि हमारा मुल्क वो मुल्क है साफ सुथरा सादा सुधा विश्वास करने वाला, एक दूसरे पे विश्वास करने वाला। हमें चाहिए कि हम यूनाइट हों, और हमारे हमें बहुत खुशी है कि इनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे इस नाचियत को इन्होंने मौका खिदमत कर दिया, मैं बड़ा उनका भारी हूँ कि उन्होंने मुझे खिदमत का मौका दिया। सूफी संत मलंग संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ, और हम बड़ा बढ़िया करके काम कर रहे हैं, और हिंदू मुस्लिम भाइयों के एकता के लिए काम कर रहे हैं, और सभी मज़हब के लोगों को, सभी जाति धर्म के लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं, और पूरा संगठन हमारा काम कर रहा है।